A very good morning, students. Today we are going to discuss Newton's Chord's Quadrature Formula. Let's start. हम numerical integration कर रहे हैं तो मतलब मुझे एक integral consider करना पड़ेगा तो वही करा. Let I is equals to y dx within the limits a to b where y equal to f of x be the integrand which is to be evaluated numerically from the given set of tabulated values. ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व. यही होता है ना. तो हमने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, प्लॉट करें. लेट सपोज करो मुझे इस एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है. ठीक है, तो लेट इट बी ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए विच लेट इट बी इक्वल्स टू एक्स नॉट. और ये जो पॉइंट है लेट दिस बी कट एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल्स टू बी which is equals to x naught plus nh. तो मैं क्या करती थी, इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देती थी कि लेट इट बी मैं इस इंटरवल को x naught से लेकर x naught plus nh को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रही हूँ. कितने सब इंटरवल्स में? n सब इंटरवल्स में. ठीक है, तो अगर मैं n सब इंटरवल्स में डिवाइड करूँगी सच दैट दे आर इक्वली स्पेस्ड तो ये लेट इट बी ये एक्स वन है, ये एक्स टू है. ठीक है, तो अगर वो इक्वली स्पेस्ड है, अगर ये एक्स नॉट है तो ये क्या होगा, एक्स नॉट प्लस एच एंड दिस वुड बी एक्स नॉट प्लस टू एच एंड सो. ठीक है ना, तो मतलब मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के आए, एक्स नॉट एक्स वन से लेकर एक्स एन तक फॉर विच द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आर एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन वाई नॉट, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंगली वाई वन, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंगली वाई टू एंड एक्स एन के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एन. तो यहाँ पर मेंशन करेंगे लेट द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन बी इक्वली स्पेस्ड विद x नॉट इक्वल्स टू a है, x1 क्या होगा x नॉट प्लस एच, x2 क्या होगा x नॉट प्लस टू एच से लेकर xn इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस एन एच. ठीक है, और हमारे पास विड्थ क्या आ जाएगी, b माइनस a अपॉन h एंड सॉरी जितने सब इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड करा है. ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेट अस टेक अ न्यू वेरिएबल u is equals to x minus x naught by h, ये वेरिएबल हमने कहाँ लिया था, न्यूटन्स फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में. मतलब अगर मैं ऐसा वेरिएबल ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज होगा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एच इज इक्वल्स टू x माइनस x नॉट, तो x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस यू एच, यही आएगा. तो जब मेरे पास अगर मैं ये x की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो dx क्या आ जाएगा मेरे पास, h du. ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पर इस इंटीग्रैंड में अगर मैं लिमिट्स चेंज कर रही हूँ u के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो यहाँ लिमिट्स भी चेंज होंगी ना, क्योंकि मैंने x को पुट करा. तो when x is equals to a दैट इज x किसके इक्वल है, x नॉट के. तो h की वैल्यू क्या होगी, लेट अस सी u की वैल्यू, यहाँ पर x नॉट इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस यू एच तो कैंसिल आउट होगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. जब x b के इक्वल है, b मतलब x नॉट प्लस एन एच के, तो क्या वैल्यू होगी, तो क्या आएगा, x नॉट प्लस एन एच इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस यू एच, x नॉट से x नॉट कैंसिल, ठीक है, h से h कैंसिल और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, n. यही आएगा ना हमारे पास, यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो.
तो मतलब अब लिमिट्स किस में चेंज हो जाएंगी, फ्रॉम ए टू बी से, जीरो से एन तक। इतनी बात समझ आए? मतलब हमारे पास आई क्या था, ए से बी वाई ऑफ डी ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, क्योंकि अब मैं यू में चेंज कर रही हूँ तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जीरो से एन, और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच एच डी। तो मतलब क्या आया, यहाँ क्या आ गया, एच इंटीग्रल विद इन द लिमिट जीरो टू एन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच डी। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज होगा, जिसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। वहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट की जगह ए था, यहाँ पर ए को हमने एक्स नॉट ही तो सब्सटीट्यूट करा है, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, नाउ यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू एच इंटीग्रल एज इट इज रहेगा एफ ऑफ एक्स नॉट। क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू बाय वन फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर यू यू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, फिर प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस से लेकर कहाँ तक जाएगा, एन प्लस वन टर्म्स तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी ले लो, क्या आ जाएगा, यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री बाय फोर फैक्टोरियल फोर्थ ऑर्डर एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट के x नॉट की कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये था ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब मैं x को x नॉट पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, y नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो मतलब जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट है वहाँ के हम सब्सटीट्यूट करेंगे y, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इंटीग्रल विद इन द लिमिट जीरो टू n y नॉट प्लस u बाय वन फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट प्लस u u माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर u u माइनस वन u माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री बाय फोर फैक्टोरियल फॉरवर्ड ऑर्डर डिफरेंस फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाई नॉट एंड सो, ठीक है, एन प्लस वन टर्म्स तक डी ऑफ यू, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन करनी है ना हमें, इंटीग्रेशन करनी है तो लेट अस सी, h इंटीग्रल इंटीग्रेशन करनी है तो क्या आ जाएगा, u के रिस्पेक्ट में तो 1 आ रहा है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज u, देखो अलग अलग कर देते हैं, मेरे पास सेग्रीगेट करके क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू n y नॉट, y नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ u, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है और लिमिट्स पुट करेंगे तो n, तो यहाँ क्या आ जाएगा n y नॉट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, u u के रिस्पेक्ट में है तो u स्क्वायर, u स्क्वायर बाय टू होगा, जब लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो n स्क्वायर और नीचे वाले जीरो, तो n स्क्वायर वाली आएगी तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर बाय टू डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय टू माइनस u बाय टू, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, u क्यूब बाय सिक्स, जब मैंने ये लिमिट पुट करी तो क्या आ जाएगा, n क्यूब बाय थ्री, लेट इट बी टू, मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन आ रहा, और यू की क्या होगी, यू स्क्वायर बाय टू, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर बाय टू, क्योंकि लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो वो जीरो ही होगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस प्लस, अब यहाँ से कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस यू, ये क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस यू मल्टीप्लाइड विद यू माइनस टू, फिर क्या आएगा, यू क्यूब माइनस टू यू स्क्वायर माइनस यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ टू यू, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यू फोर बाय फोर माइनस थ्री यू क्यूब बाय थ्री टू यू की टू यू स्क्वायर बाय टू, और साथ में क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री फैक्टोरियल कॉमन और डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो, ठीक है। सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड न्यूटन स्कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला आ जाएगा।
ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड न्यूटन स्कॉट क्वाड्रेचर फॉर्मूला, लेट्स सी इन अ बुक। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा है, देखो आपके पास यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करा, उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन करी है, ठीक है, इन्होंने सिक्स ऑर्डर डिफरेंस तक कर रखी है, विच इज द रिक्वायर्ड न्यूटन स्कॉट इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यही आया ना हमारे पास। अब इससे ट्रेपिजॉइडल रूल कैसे निकलेगा, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8, जब मैं एन को 1 पुट करूंगी इस फॉर्मूले में तो वो हमारे पास ट्रेपिजॉइडल रूल होगा, जब मैं एन को 2 पुट करूंगी तो वो सिम्पसन 1/3 बन जाएगा, और जब मैं एन को 3 पुट करूंगी सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वो सिम्पसन 3/8 बनेगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।